हेलो स्टूडेंट, आज के द हिंदू के एडिटोरियल में आपका स्वागत है। मैं अनिल शर्मा आपका वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत काम की न्यूज़ है और इसमें वर्ड बाय वर्ड हम लोग चलेंगे, क्योंकि सीधा सेंटेंस का मीनिंग बताना आप लोगों के लिए कई बार गैप बना देता है। तो प्रत्येक वर्ड को डिस्कस करेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे और ग्रामेटिकल सेंस को भी जानेंगे। तो तीनों काम एक साथ करेंगे, रीडिंग कंप्रिहेंशन भी करेंगे, वो कैब इम्प्रूव करेंगे और ग्रामेटिकल सेंस को भी पकड़ेंगे। सो रेडी, चलिए लेट्स जस्ट राइट जंप इनटू द सेशन। लॉ एंड लॉ मेकर्स, तो जी कानून और कानून बनाने वाले, ये हेडलाइन है हमारे द हिंदू के आज के एडिटोरियल की। एससी इज राइट इन सेइंग लेजिस्लेटिव प्रिविलेज कैन नॉट बी अ कवर फॉर क्राइम्स इन द हाउस। तो हमें कहती है खबर, क्या कहती है? एससी सुप्रीम कोर्ट इज राइट, सुप्रीम कोर्ट सही है कहने में, क्या कहने में, कि लेजिस्लेटिव प्रिविलेज जो हैं, जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, जो एमएलए हैं, प्रिविलेज जो उनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं, वो नहीं एक कवर बन सकते, कैन नॉट बी कवर फॉर क्राइम्स इन द हाउस। जो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो क्राइम करते हैं, तो उनके जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं, वो उनका कवर नहीं बन सकते, कैन नॉट बी ए कवर, वो उनको बचा नहीं सकते फॉर क्राइम्स, उन अपराधों से जो वो संसद में या विधानसभा में करते हैं। मोस्टली ये विधानसभा की बात हो रही है। फर्दर न्यूज़ में आगे चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दैट लेजिस्लेटिव प्रिविलेज कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू प्रोवाइड लीगल इम्यूनिटी टू क्रिमिनल एक्ट्स कमिटेड बाय लॉ मेकर्स और टू बी वेलकम्ड फॉर टू रीजन्स। तो सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो गया है, हम इसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट इसका है सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, दैट की लेजिस्लेटिव प्रिविलेज जो नेताओं को या जो एमएलएज को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, उनको बढ़ाया नहीं जा सकता, टू प्रोवाइड लीगल इम्यूनिटी, उनको कानूनी अधिकार नहीं दिया जा सकता। इम्यूनिटी होती सुरक्षा, कि उनको कोई, जैसे आजकल लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं कोरोना के खिलाफ, तो जैसे वो कोई अपराध करते हैं तो उनको जो ये लेजिस्लेटिव प्रिविलेज हैं, ये उनको ये इम्यूनिटी नहीं दे सकते कि उन पर कोई केस ना चलाया जा सके। ठीक है, प्रोवाइड लीगल इम्यूनिटी टू क्रिमिनल एक्ट्स, जो वो क्राइम वाले कार्य करते हैं, बाय लॉ मेकर्स, मतलब वही नेता लोग जो लॉ बनाते हैं, विधानसभा के लोग, और टू बी वेलकम्ड, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, शुड बी वेलकम, और टू बी वेलकम्ड, मस्ट बी वेलकम्ड, ये हमारे सलाह देने वाले शब्द होते हैं। फॉर टू रीजन्स, दो कारणों से, क्या? फर्स्ट कारण है, इट लेज डाउन दैट लेजिस्लेटर चार्ज इन अनड्यूली बिहेवियर दैट रिजल्ट इन ऑफेंसेज अंडर पिनल लॉज कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड इधर बाई देयर प्रिविलेज और देयर फ्री स्पीच राइट्स। सेंटेंस फिर से लंबा हो गया है, वापस चलते हैं सेंटेंस में, क्या कहता है? दो कारणों से इसको स्वागत किया जाना चाहिए। इट लेज डाउन, ये निर्णय देता है क्या, दैट लेजिस्लेटर चार्ज विद अनड्यूली बिहेवियर, जिन एमएलएज के खिलाफ गलत व्यवहार करने के चार्ज लगे हैं, अनड्यूली, बैड बिहेवियर, अनवांटेड बिहेवियर, दैट रिजल्ट्स इन ऑफेंसेस, और जिनसे क्या होता है, अपराध होता है, अंडर पिनल लॉज, जो हमारे हिंदुस्तान के अपराध के कानून हैं, उनके लिहाज से अगर ये अपराध होता है, कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, ईदर बाय देयर प्रिविलेज, या तो उनको जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं वो, और फ्री स्पीच राइट, या बोलने की आज़ादी का, यानी कि ये नेता फ़ायदा उठाते हैं कि हमारा प्रोटेक्ट करने का अधिकार है या हमारे बोलने का अधिकार है, इस कारण से लोग बचना चाहते हैं। तो दोनों अधिकार का यहाँ पे वर्णन किया गया, फ्री स्पीच का राइट, आप देखते हैं आजकल कोई भी कुछ कहता है कि मुझे बोलने की आज़ादी है और उस आज़ादी का मिसयूज़ हो रहा होता है। सेकेंड, दूसरा क्या है, द डिसीजन रिवाइज द लॉ रिलेटिंग टू प्रोसिक्यूटर्स रोल इन विदड्रॉइंग एन ऑन गोइंग क्रिमिनल केस। हाँ, दूसरे में कहता, जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये जो कानून है उसमें जान फूंकता है, यानी कि इस कानून का दुरुपयोग कर रहे थे लोग, तो इसको लागू करने के ऊपर फिर से इसमें जान फूंक रहा है। रिवाइज होता है किसी चीज़ में पुनः जान डाल देना। तो इस कानून को, कौन से कानून को, रिलेटिंग टू प्रोसिक्यूटर्स रोल, जिसे प्रोसिक्यूशन का जो रोल होता है अपना केस वापस लेने में, जहाँ पे क्रिमिनल केस चल रहा है, प्रोसिक्यूटर होता है जो किसी मुकदमा करता है, डिफेंडर होता है जो उसका बचाव करता है। ठीक है, तो प्रोसिक्यूटर्स रोल्स इन विदड्रॉइंग एन ऑनगोइंग क्रिमिनल केस, कि किसी नेता पे कोई केस चल रहा है मान लीजिए, तो वो केस वापस कैसे लिया जाए, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय फिर से रोशनी डालता है।
द LDF गवर्नमेंट इन केरला हैज सफर्ड ए सेटबैक एज इट स्ट्रांगली फेवर्ड द विदड्रॉल ऑफ केसेज अगेंस्ट सिक्स मेंबर्स सॉट टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर क्रिएटिंग अ रकस इन असेंबली ऑन March 13, 2015. हम कोमा यहाँ पे आ गया है, यहाँ तक रुकते हैं, आगे चलते सेंटेंस में. द LDF गवर्नमेंट इन केरला हैज सफर्ड ए सेटबैक. जो लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट है केरला में, उसको झटका लगा है. सफर्ड ए सेटबैक, कैसा? एज इट स्ट्रांगली फेवर्ड, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा इस बात का पक्ष लिया था, किसका? विदड्रॉल ऑफ केसेस, केस वापस लेने का, अगेंस्ट जिनके खिलाफ छः मेंबर थे उनके खिलाफ जो केस चल रहे थे, सरकार ने केस वापस लेने का फैसला किया था और उसका फेवर किया था. सॉट टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर, जिनके ऊपर ये निर्णय मांगा गया था कि उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन यानी कि मुकदमा किया जाए, फॉर क्रिएटिंग अ रकस, परेशानी पैदा करने के लिए. रकस होता है कन्फ्यूजन पैदा करना, परेशानी पैदा करना. इन द असेंबली, जो इन छः लोगों ने असेंबली में परेशानी पैदा की थी, हंगामा किया था, ठीक है, ऑन March 13, 13 मार्च 2015 को. वेन दे बॉयसरली ट्राई टू इंटरप्ट, जब उन्होंने बेशर्मी से कोशिश की थी टू इंटरप्ट द प्रेजेंटेशन, जब कोई प्रेजेंटेशन चल रही थी उसको रोकने की बेशर्मी से कोशिश की थी. ऑफ द बजट, बजट को, हाँ जी, जो बजट प्रेजेंट किया जा रहा था उस टाइम की सरकार के द्वारा, बाय द अस्टवाइल UDF रिजीम, जो पहले की UDF की सरकार थी उसके द्वारा जब बजट प्रेजेंट किया जा रहा था, तो इन लोगों ने उसको बेशर्मी से इंटरप्ट यानी कि रोकने की कोशिश की थी. देयर एक्शन रिजल्टेड, उनका जो उन्होंने काम किया उसका क्या रिजल्ट निकला? इन डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू सम आइटम्स, जिससे कुछ आइटम या तो टूट गए, बर्बाद हो गए, और कुछ को क्षति पहुंची, अमाउंटिंग टू अ लॉस ऑफ 2.20 लाख. तो इस काम का क्या परिणाम निकला? कुछ तो प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, कुछ को डैमेज हुआ, और कुछ आइटम को 2,20,000 रुपये तक का नुकसान हुआ, बेस्ड ऑन द असेंबली सेक्रेटरीज कंप्लेंट. तो फिर आगे क्या हुआ था? जो असेंबली के सेक्रेटरी हैं उनके शिकायत के आधार पे द पुलिस रजिस्टर्ड ए केस, पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया, एंड लेटर फाइल्ड ए चार्जशीट, और बाद में एक चार्जशीट भी फाइल की अगेंस्ट देम फॉर कमिटिंग मिसचीफ, उनके खिलाफ शरारत करने के लिए, गड़बड़ करने के लिए. मिसचीफ और शरारत, लेकिन शरारत नहीं मानी जाएगी यहाँ पे, बहुत बड़ी गड़बड़ मानी जाएगी. एंड ट्रेसपास, ट्रेसपास होता है जिस क्षेत्र में आपको जाने की आधिकारिक आपको परमिशन नहीं होती वहाँ पे जाना, ठीक है, ट्रेसपास होता है जहाँ पे आप अलाउड नहीं वहाँ पे घुसना. तो कहता है कमिटिंग मिसचीफ, गड़बड़ करने का, और ट्रेसपास अनधिकृत रूप से घुसने का अंडर द IPC एंड डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी. और IPC के तहत इन लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करने के लिए. अंडर द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, किस एक्ट के तहत? पब्लिक की प्रॉपर्टी को बचाने का जो कानून है 1984 का, उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. दिस ईयर द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थिरुवनंतपुरम हैज रिजेक्टेड द एप्लीकेशन बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. इस साल जो थिरुवनंतपुरम के चीफ मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की. पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब जो सरकारी वकील होता है, और वो केस खिलाफ, इनके खिलाफ वापस लेना चाह रहा था, जो कि सरकार की इच्छा थी, ठीक है, विदड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन. तो प्रोसिक्यूशन इनके खिलाफ केस वापस लेना चाह रहा था. तो बाद में क्या हुआ? एन ऑर्डर दैट वॉज लेटर अफर्म्ड बाय द केरला हाई कोर्ट. बाद में इस कोर्ट का केरला हाई कोर्ट ने भी समर्थन किया था. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपेक्स कोर्ट कंकर्ड विद दीज डिसीजंस. इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं निर्णयों को अपना समर्थन दिया है. तो यहाँ तक हम, डियर स्टूडेंट्स, अपने न्यूज़ को सीमित करेंगे, सभी वर्ड इसमें आप नोटिस करेंगे और सबको साथ साथ बोलते बोलते रिकॉर्ड भी करेंगे. गुड डे.